नमस्कार, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत महान शख्सियत हैं, विजय जाटव जी, जो बाबा साहब की बातों को ही नहीं, बहन कुमारी मायावती को भी हर एक कार्यक्रम और हर एक आंदोलन में बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। विजय जी, एक बात बताइए, अब जो 2019 के इलेक्शन हो रहे हैं और वो मायावती की सरकार को कहाँ तक देख रहे हैं आप, कहाँ बन पाएगी और कितने उसके अंदर जो यूपी के समीकरणों को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो बहुजन समाज कहाँ पर भूमिका अदा कर रहा है वो बताएँ। देखिए सभी को, पहले तो क्रांतिकारी जय भीम। जहाँ तक BSP की बात है और यूपी के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर अब बहुजन समाज जाग चुका है जी। अब चाहे योगी जी बंदर को, मतलब हनुमान को दलित बता दें, चाहे राम को दलित बता दें, इससे कुछ नहीं होगा। हमें अब बहुजन समाज को फूले साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम साहब याद हैं। अब इन लोगों को याद नहीं करते, ना ही मानते हैं, ना ही पूछते हैं जी। तो समीकरण बहुत अच्छा है, बहुजन समाज इस बार बहन जी की तरफ देख रहा है, क्योंकि BJP सरकार में आपने देख लिया 2 अप्रैल को जो हमारे लोगों के साथ अत्याचार हुआ, इस सबको अच्छी तरह जानता है, किसान भी जानता है। किसानों के ऊपर अभी आपने दिल्ली में देखा, किसान यात्रा पर कितना कहर ढाया गया, काफ़ी लोगों के चोट आई, तो ये सब देख रहे हैं। बहन बेटे के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं, मंदिर तक में बलात्कार हो रहे हैं, तो सब परेशान हैं। कांग्रेस और BJP दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए अब तीसरा ऑप्शन है जो बहन जी है, और पूरे बहुजन समाज और पूरा जनरल SC ST OBC जितने भी लोग हैं सभी बहन जी की तरफ देख रहे हैं जी। आप थे विजय कुमार जी, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अब 2019 के अंदर कांग्रेस देख ली है, BJP देख ली है, और अब जो बहन कुमारी मायावती की 4 टाइम की सरकार रह चुकी है, लोग उसमें परिवर्तन देख चुके हैं और अब कुछ और नहीं देखना चाहते, सिर्फ 2019 के अंदर बहन कुमारी मायावती की सरकार देखना चाहते हैं। हमारे चैनल से बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय